अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष और वार्ड नंबर 70 से भाजपा पार्षद वैभव अग्रवाल के नेतृत्व में वृंदावन के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल नगरवासियों की समस्याओं को लेकर मथुरा में जिला अधिकारी सर्वग्राम मिश्रा से मिला। व्यापारियों ने कोरोना संकट काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफी और वार्षिक शुल्क को हमेशा के लिए निरस्त करने, वहीं ट्रांसपोर्टेशन शुल्क को 3 महीने तक न लिए जाने की मांग की। तीर्थ पुरोहित पंडा समाज और छोटे व्यापारियों को सहायता राशि प्रदान किए जाने की भी मांग की गई। पार्षद ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बाजारों और मंदिरों को खोलने के लिए तय सीमा निर्धारित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वृंदावन के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की गई है और वार्ता की गई। वृंदावन के जो विद्यालय हैं उनमें 3 महीने की फीस माफ़ हो, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिले। साथ ही वृंदावन का जो तीर्थ पुरोहित पंडा समाज है, जो छोटे व्यापारी हैं और जो आम जनमानस है, उनको भी सहायता प्रदान की जाए, ये भी मांग हमने जिलाधिकारी महोदय से की। इसके साथ ही व्यापारियों के हितों के लिए भी हमने गहन मंत्रणा माननीय जिलाधिकारी महोदय से की।